कानपुर चकेरी कोयला नगर में एआरटीओ ने उदय सिंह ने फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियां जिनके कारण लगता है जाम, कई गाड़ियों के काटे चालान, कई गाड़ियों को किया सीज। चकेरी के कोयला नगर में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर आरटीओ ने चलाया अभियान। चकेरी के कोयला नगर इलाके में आरटीओ उदयवीर सिंह ने कोयला नगर चौकी इंचार्ज उस्मान अली और उनकी टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर 12 गाड़ियों का चालान काटा व 3 गाड़ियों को किया सीज। यह पार्किंग नो पार्किंग जोन के सड़क के किनारे कबाड़ का सामान ढोने के लिए खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण चलते जाम लग जाता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं, जिसके चलते आरटीओ उदयवीर सिंह ने कोयला नगर चौकी उस्मान के द्वारा अभियान चलाकर कई गाड़ियों का चालान किया और कई गाड़ियों को सीज किया। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। क्या कार्रवाई हुई? आज सड़क पर अनधिकृत कबाड़ पड़ा हुआ था। सड़क पर बिना परमिशन के रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की, कुछ वाहनों को सीज भी किया गया, कुछ वाहनों को चालान भी किया गया। और जो रोड पर कबाड़ अनधिकृत रूप से पड़ा हुआ था उसको उनके मालिकों से कह के कार्रवाई की। इंस्पेक्टर साहब ने कुछ वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 130 अवैध 34 में भी कार्रवाई की गई है। और ये अभियान लगातार चलता रहता है क्योंकि आम पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, रोड जाम किए रहते हैं, इसलिए कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। एक छात्रा की मौत भी हो चुकी थी पुलिया के पास, उसमें काफ़ी बवाल हुआ था, जाम लगा था। डीएम साहब ने इसीलिए सख्त निर्देश दिए हैं और एसपी साहब के भी निर्देश हैं, उसी के क्रम में ये अभियान जारी रहेगा और इसमें यहाँ जाम भी नहीं लगने दिया जाएगा। क्या ये लगातार चलेगा कि सुस्त पड़ जाएगी सरकार? नहीं, सुस्त तो नहीं पड़ेगी सरकार, सुस्त नहीं है ना, हम लोग कार्रवाई से चुकेंगे और जनता को जितना लाभ दे सकते हैं, रोड जाम ना हो, किसी पर अंतर सड़क पर किसी भी तरीके अंतर कबार न रखा जाए, उसके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। शुभ नाम उदयवीर सिंह, एआरटीओ।